Good morning, friends. Welcome back to my new vlog. Hope you all are doing well. मेरी सुबह तो शुरू हो गई. उठते ही मैं 500 टू 750 ml वाटर पीती हूँ और साथ साथ हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स और बेटे के लिए लंच बॉक्स रेडी करती हूँ. आज रायन का लंच में है चिकन रैप. चिकन रैप में जो बेस में यूज़ कर रही हूँ वो है होल व्हीट टॉर्टिया. 4-5 साल पहले मैं रोटी बना के देती थी, उससे ना रैप बिल्कुल सॉगी सा हो जाता था क्योंकि वो गर्म होता था और रोटी सॉफ्ट होती है, और पराठा मुझे देना नहीं है. ये होल व्हीट टॉर्टियाज आर वेरी गुड. और स्प्रेड में मैंने हमस यूज़ किया है. इट्स अ वेरी हेल्दी ऑप्शन, ताकि थोड़ा मेयोनीज ऊपर से देने से टेस्ट भी बरकरार रहता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है. और मैं ऐसे लेटस ठूस के रैप में भर देती हूँ ताकि कुछ तो हेल्दी हो ना. मैं आपसे शेयर करने चाहती थी इस बार हमें कितना बड़ा बड़ा जूसी और प्लम्प टाइप का एकदम ब्लूबेरीज़ मिली है. इस हमेशा ही ब्लूबेरीज़ यहाँ पर रेगुलरली मिल जाता है, स्पेशली इन समर्स, पर इतना बड़ा बड़ा नहीं मिलता है. सालों से कर रही हूँ लंच बॉक्सेस रेडी, फिर भी रोज़ मुझे सुबह एक एंग्जाइटी टाइप की होती है, पर जैसे हो जाती है ना रेडी, आई फील सो रिलैक्स्ड कि टाइमली इट्स डन. आई नो टाइमली हो जाएगा, फिर भी एक हड़बड़ी सी लगी रहती है. रात को अगर डिशवॉशर लगाती हूँ तो मतलब डिशवॉशर अनलोड करना सुबह ही होता है, इसीलिए अगर लंच बॉक्स रेडी हो गया मेरे पास टाइम है मैं तुरंत खाली करने लग जाती हूँ. क्योंकि सुबह सुबह उठ के जो भी बर्तन होता है अगर डिशवॉशर खाली हो देन आई कैन स्टार्ट रिफिलिंग. बन गई मेरी सुबह की तसल्ली वाली चाय, और सुबह की चाय मेरी नॉर्मल दूध वाली ही होती है. मैं शाम के टाइम जो चाय पीती हूँ वो ओट मिल्क वाली पीती हूँ. और जस्ट लुक एट मी, अभी भी आलस भरा पड़ा हुआ है. स्टिल आई लुक ड्राउजी, ऐसा लग रहा है कि मैंने सालों से नहीं सोया है. घर का काम ख़त्म करके मैं अपने नॉर्मल टाइम पे रेडी होके जिम चली भी गई थी, अच्छे से वर्कआउट भी किया था. ना ही मैंने रायन का आफ्टर स्कूल स्नैक, ना ही मैंने अपना वर्कआउट, सब कुछ भी इस वीडियो में ऐड नहीं किया है. द रीज़न इज़ वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसीलिए सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ डिनर बनाते हुए. आज बना रही हूँ चिकन सूखा. उसके लिए फर्स्ट स्टेज, चिकन सूखा के लिए एक ड्राई रोस्ट करके मसाला बनाना पड़ता है. जो मैंने फ्रिज क्लीनिंग के टाइम दिखाया था जो कुछ चिकन मसाला मैं बना के रख देती हूँ, चिकन निहारी, चिकन सूखा, चिकन छत्रीनाथ, इन मसालों को मैं जब भी बनाती हूँ एकदम 3 टाइम का बन सके वैसा बना के रख देती हूँ. तो चिकन सूखा का मसाला मेरे पास बना हुआ है, पर वो ड्राई मसाला क्या है उसका इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. अभी जो वेट मसाला जो हमें ग्राइंड करना है मैं वो आपको दिखा रही हूँ. थोड़ा सा ऑयल में एक प्याज में 1 किलो चिकन के हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ. एक प्याज, उसको हल्का सा रोस्ट करेंगे. पर इस रेसिपी में एक्चुअली ड्राई मसाले में यूज़ होता है पॉपी सीड, बट पॉपी सीड इज़ इलीगल इन यूएई, इट्स कंसिडर्ड एज ए ड्रग, तो इसीलिए यहाँ पे ये नहीं मिलता है. अगर मिल जाए तो यू हैव टू गो टू जेल. इसीलिए पॉपी सीड की जगह, खसखस की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ काजू. ब्रोकन काजू में रख देती हूँ खाना बनाने के लिए. ब्रोकन काजू ना जल्दी पिस जाता है. मैं अनियन फ्राई कर लूँगी. अनियन जब तक प्याज फ्राई हो रही थी आटा भी गूंथ चुकी है. अब मैं आगे के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करूँगी प्याज के साथ.
इसमें ना टमेटो यूज नहीं होता है, पर मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा कल से पड़ा हुआ था, तो मैं इसको काट के दे दूंगी, नहीं तो ये पड़े पड़े फ्रिज में ना खराब हो जाएगा। ये डाल दूंगी और इसके साथ कोकोनट, ये ग्रेटेड कोकोनट है, इसको मैं मिला दूंगी। अगर आपको कोकोनट का फ्लेवर अच्छा लग रहा है ना तो ये पूरा अमाउंट लगेगा, पर मैं इतना ही दूंगी क्योंकि कोकोनट का फ्लेवर उतना तो पसंद नहीं है। इसके साथ मैं काजू डाल दूंगी। अभी इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, कोकोनट जब तक फ्राई होता है हल्का सा, हाँ ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, फ्राई कर लेंगे, फिर ठंडा होने के बाद इसको पेस्ट बनाएंगे, फिर मैं आगे का रेसिपी आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी स्टेप ज़्यादा लगती है इस रेसिपी में, बट इट्स रियली वर्थ ट्राइंग। देखिए मसाला फ्राई हो चुकी है, अभी इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लेंगे और कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे, एंड देन विल प्रोसीड विद द फर्दर रेसिपी। वो जो मसाला फ्राई किया उसके साथ मैंने इतना इमली डाल दिया है ताकि जब मसाला पीसेगा वो इमली भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप चाहे तो इमली का पल्प भी निकाल के मिक्स कर सकते हो, बट आई फाइंड दिस वन कन्वीनियंट, पर मैं भूलती नहीं हूँ क्योंकि ट्रेडिशनली बंगाली फूड में इस तरह से टैमरिंड यूज नहीं होता है, इसीलिए मैं ऐसे प्रेफर करती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। जब तक वो प्याज कोकोनट वो सब ठंडा हो रहा है ना, वील प्रोसीड विद द फर्दर रेसिपी। तेल गर्म हो गई है और अब उसमें डाल देंगे एक और प्याज मीडियम साइज का, ये जैसे हल्का सा फ्राई हो जाएगा हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब ये जैसे हल्का सा फ्राई हो जाएगा मैं चिकन डाल दूंगी। मेरा तेल कम है इसीलिए बाद में चिकन डालूंगा, अगर आप तेल ज़्यादा दे रहे हो ना रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हो तब इसी स्टेज में चिकन भी ऐड करके उसके साथ फ्राई करो। मेरा तेल कम होने से ना एक साथ डाल देने से चिकन का पानी छूट जाएगा और वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा, इसीलिए मैं अलग अलग करके फ्राई कर लेती हूँ। अनियन जिंजर गार्लिक पेस्ट भून चुकी है, अब मैं चिकन ऐड कर दूंगी। हाई हीट पे थोड़ी देर फ्राई करनी है ताकि इसकी पानी ना सूख जाए, पानी छोड़ देगा तो आपको अच्छे से चिकन फ्राई नहीं कर पाओगे, तो लेट इट बी कुकिंग इन हाई हीट। मैंने थोड़ा सा अभी हल्दी मिक्स किया है, जब तक चिकन भून रही है आई थॉट आई मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। मैंने ओट मिल्क एज यूजुअल माइक्रोवेव भी गर्म कर लिया, एंड आई टेक अ कॉफ़ी एक्सप्रेसो शॉट फ्रॉम हियर, दैट्स इट। मैं कोशिश करती हूँ इवनिंग के टाइम कॉफ़ी अवॉइड करने की क्योंकि नहीं तो मुझे बहुत लेट तक रात को नींद नहीं आती है, और मैं कोशिश करती हूँ ना कॉफ़ी बहुत कम लूँ ताकि मैं जिम जाने से पहले अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े प्री वर्कआउट की तो मैं कॉफ़ी लेती हूँ ना, इट एक्ट्स वेरी गुड फॉर माई बॉडी। अगर आप डेली डेली कॉफ़ी लेंगे तो आपकी बॉडी यूज हो जाती है, वो किक नहीं मिलेगा एंड इट वुड एक्ट एज ए प्री वर्कआउट। अच्छे से फ्राई होगी, कलर्स अब भी आ गई है, तब मैं सॉल्ट और जो पाउडर मसाला है वो मैं अभी ऐड कर दूंगी। इसको ढक के चिकन ऑलमोस्ट होने तक, लाइक 75% होने तक इसको पका लेंगे। अभी मसाला भी
ऐसे ऑल द मसालाज आर रोस्टेड एंड देन पाउडर्ड, पर चिकन के साथ इसको अच्छे से कुक करेंगे ताकि थोड़ा वेपर निकले और उसमें चिकन थोड़ा कुक हो जाएगा। और कॉफी पीते पीते मैं फट से ये कंटोला काट के ना सिर्फ नमक और हल्दी डाल के थोड़ा सा ढक ढक के फ्राई कर लूंगी, वो सॉफ्ट सॉफ्ट क्रिस्पी वाला फ्राई नहीं। क्रिस्पी वाला फ्राई करना होता तो मैं एयर फ्राई में करती। जस्ट लुक एट द कलर, क्योंकि वो जो ड्राई मसाला पीसा था ना उसमें बहुत सारी ड्राई कश्मीरी चिली यूज़ करनी पड़ती है, वो तीखी वाली ड्राई रेड चिली नहीं। बी केयरफुल, फिर वो खाने लायक नहीं रहेगी रेसिपी। अभी देखिए चिकन ना बोन से अलग होने लगी है। एट दिस स्टेज अभी मैं जो मसाला पीस के रखी थी वो ऐड कर दूंगी। इस रेसिपी में ना बिल्कुल पानी यूज नहीं होता है, पर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी वो मिक्सर धो के, वो पता है ना तो थोड़ा देसी वो नहीं छोड़ सकती देसी पन। अब उसको अभी जब तक चिकन बन रही है मैं फटाफट थोड़ा डस्टिंग कर लूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं दिन में क्यों नहीं करती हूँ, पता नहीं दिन में मुझे क्यों टाइम नहीं मिलती है कभी कभी, क्योंकि सारे काम तो खुद ही को करना होता है ना, तो कभी भी कर लो। और ऐसे भी मैं ना खाना की जगह पे टिक्के खड़े होकर नहीं बना सकती, ऐसे कूद कूद के इधर उधर भाग भाग के काम करते हुए मुझे अच्छा लगता है। अपडेट ऑन दिस पौधा, ये पूरी तरह मर चुका है। मस्त खुशबू आ रही है, आई विश यू ऑल कुड स्मेल इट। इट टेक्स टाइम बट इट्स वर्थ मेकिंग इट। देखिए एकदम चिकन सॉफ्ट से एकदम अलग हो रही है। और मैं एक अलग सा थाई पीस ऐसा कुछ तोड़ के देख लेती। या इट्स डन, तब तक मैं रोटी बना लूंगी रायन के लिए।
I serve chicken sukha with roti. Final look of chicken sukha. Do try this recipe. It's worth trying. फोन की बैटरी एकदम लो हो गई है तो आई विल पुट द फोन फॉर चार्जिंग और मैं पूरे घर के वैक्यूमिंग मॉपिंग करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आप देख सकते हो डिशवॉशर एकदम खचाखच भरा हुआ है। टू मेक इट वर्थ डिशवॉशर टोटली फुल अप होना बहुत जरूरी है। डिशवॉशर मैंने रन कर दिया है, सिर्फ ये कैसरोल है जो मुझे हैंड वॉश करना है एंड आई एम डन फॉर द डे। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।